सभी छात्र छात्राओं, आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं दो सूत्रों पर विचार प्रस्तुत करने चल रहा हूं, जो है पहला है सस छोटी, दूसरा सूत्र तो नहीं बल्कि वार्तिक है, सस छोटी और छत्वमिति वाच्यम। आइए देखते हैं, यहां पर देखिए सस छो अटी, सस छोटी अवग्रह का चिन्ह है, सस छोटी झया परस्य सस छो वा अटी, जिसका अर्थ है झय से परे शकार को छकार होता है, अट परे रहते विकल्प से। ये विकल्प से थोड़ा बाद में लिख दिया गया है, इसको समझ लीजिएगा विकल्प से। तो झय से परे सकार को, देखो सकार छकार गकार जो भी करें इसका मतलब सकार माने स, बस छकार माने छ, ये संस्कृत में ऐसा लिखा जाता है। ग कहना गकार कह दिया, का कहना ककार कह दिया, तो इसे समझिएगा कि सकार का मतलब कुछ और नहीं, सकार माने स, छकार माने छ। तो झय से परे सकार को छकार होता अट परे रहते विकल्प से। यहां ये देखिए उदाहरण क्या है, तच्छिवा और दूसरा क्या है तच शिवा, क्योंकि वहां पर विकल्प से है। तो स्थिति इसकी क्या है, इसको देखें, स्थिति आप देखिए, तत् शिवा तच शिवा स्थिति है, तद धन शिवा क्या है, तद धन शिवा। यहां तद का दा अस्तोस चुनासु सूत्र से जा हो जाता है, ये तद धन शिवा, यहां देखिए ये तद धन शिवा में तत् शिवा का क्या होगा, तद धन शिवा, ये पूर्व स्थिति है के, जब संधि हो जाती है तत्शिवा तत्शिवा बन जाता है। तो हम जब सिद्ध करने जा रहे हैं तो पहले हमारी पूर्व स्थिति को ही तो देखेंगे, तभी तो हम बताएं किस प्रकार ये सिद्ध हुआ है। तो स्थिति जानना जरूरी है, तो तद धन शिवा। अब ये इसमें क्या है, एक सूत्र लगता है स्तोह चुना स्चु, स्तोह चुना स्चु, यहां क्या है तद का दकार, तद में ये दा है, जो दा है सूत्र स्तो शुरास्तु सूत्र से जा हो जाता है, यहां पर दा की जगह जा हो गया, ठीक। तब स्थिति क्या बनती, तज धन शिवा, अस्तो शुरास्तु पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम बता दे स्तो शुरास्तु, यहां का मतलब यह है कि सकार और तवर्ग हो और सकार और चवर का योग हो तो क्या हो जाता है, सकार और चवर्ग हो जाते हैं। तो यहां पर देख लिए, यहां पर सा तो नहीं है, तवर्ग सकार और तवर्ग में से कोई है, तो इसमें देखिए दा है, तवर्ग में से दा है और सकार का योग भी है, माने यहां सा है, तो क्या हो जाता है, दा के जा हो जाएगा, जा इश्चू हो जाता है, इश्चू माने सा और चवर्ग, चवर हो जाता है। तो दा की जगह पर चवर्ग में से क्या, ता था दा चा छा जा, तो स्तोष चुनास्तु से क्या हो जाएगा, दा के जा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तज धन शिवा। आइए देखिए एक सस छोटी सूत्र से जो ये बन रहा तज शिवा, इसके लिए कितने सूत्र बीच बीच में आते हैं इनको भी जानना जरूरी है। अब है एक सूत्र खरिश, जिसका अर्थ है झलांग चरा शिव, झलों के चर होता खर परे रहते, इस सूत्र से जा को चा होने पर तच धन शिवा हो जाता है। इसमें तक झलों के चर होता, झल में कौन है, झल प्रत्याहार में जा आता है, हैं? खर परे तक खर प्रत्याहार में सा आता है, तो यह झल में आया और यह खर में आया, जा सा जा जो है झल में आ गया, सा खर में आ गया, तो इसके क्या हो जाए, झलान चरा सी चर हो जाता है, चर का मतलब चट तव कपय सस सर, चट तव चा आ गया, चट तव चर में चा आता है, जो यहां जा रहा है तो वहां चा आ रहा है,
तो ये क्या है, चवर्ग में से ही है चा, क्योंकि चवर्ग में ही जा और चा आता है, इसलिए जा के स्थान पर चा हो जाएगा। तो खर्चा सूत्र से जा को चा होने पर तच धन शिवा बन गया। ठीक, इस स्थिति में यहां सा में ई है, यहां पर देखिए जो सा शिव में जो सी है, इस सी को जो अलग अलग करेंगे तो सा धन ई बराबर सी होता है, सा धन ई, यही यहां बता रहे हैं इस स्थिति में, यहां सा में ई है। ठीक है, जो अट है, अट का मतलब अट प्रत्याहार, वहां पर है सस छोट में सकार के छकार कब होता है, जब अट परे रहते कह रहा, अट प्रत्याहार भी है, अट अगर परे होगा तब ही होगा। अट परे रहते भी होगा, देखिए उसको फिर से आप देख लीजिए, देखिए क्या है इसका अर्थ, झया परस से सस्य छोबा अटी, झय से परे सकार को छकार होता, अट परे रहते विकल्प से, माने सा के छा होता है, झय परे रहते। अब आइए फिर नीचे आते, झय परे रहते, यहां बता दिया झय से परे सब बता दिया। तो अब देखिए खर्च सूत से चा, ये तच के चा हो गया बताई दिया, अश्यु में सा में ई है, इसको जान लीजिए, तो ई जो है अट प्रत्याहार, ये हमने बताया कि सा में ई है, ये ई है जो अट है, अट तो अट 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 प्रत्याहार में आता है, आ ई उन रिल रे के उन आई आउट हाय अवर अट जब आएगा तो अट मत आ से टा तक पढ़ा जाए तो अट प्रत्याहार है जिसमें ई आता है, आ ई शुरू में ही आ गया, आ ई उन तो ई आ गया, तो अट अट में भी ई है, तो अट में ई है। ठीक है, अब सब छोट सूत्र तब लगेगा, झय प्रत्याहार में पहले चा आता है, हैं सस छोट का मतलब है झय से प्रत्याहार में चा आता है, चा से परे सकार है, ये चा है उसका सकार है, फिर सकार से परे ई है, सकार से परे ई है, सा धन ई बराबर सी होता है, हलंत सा धन ई बराबर सी होता है, तो सा के बाद ई आएगा, तो यही बता रहे हैं छह प्रत्याहार में चाहता है, चा से परे सकार है, सकार से परे ई है, जैसे सी बराबर साधन ई, ये भी बता दिया हलन साधन ई, तो सा के बाद तो ई है, ई अट में आ गया। तो सस छोट का मतलब क्या होता है, सा के छा होता है, यानी सकार के छकार होता है, झय झय से परे, झय से परे सकार के छकार होता है, अट परे रहते, तो झय कौन चा, देखो तच में चा है, इससे परे है चा, चा जो झय है, झय प्रत्याहार में चा आता है, इससे परे है क्या, सकार माने सा आ गया, चा चा जो झय है, झय से परे सा, ये सा आ गया, झय से परे सा आ गया, तो इस सा के छा हो जाएगा, इस सा की जगह क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, लेकिन कब होगा, अट परे रहते, वो ये भी कहता है सस छोटी की, जब अट प्रत्याहार कोई आएगा तब, लेकिन अट में है क्योंकि सा में ई अट में आता है, या इसलिए यहां अलग अलग समझा, सी साधन ई बराबर सी, तो ई जो है ई, इस सी में ई है, ये अट प्रत्याहार में आ रहा है, तो अट प्रत्याहार में भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, आगे हमने लिखा है, यहां आना पड़ेगा, देखिए, तो अतः सच्छोर सूत्र सकार के स्थान पर छकार हो जाने पर तच शिवा रूप सिद्ध होता है, भाई उसमें जो सा के जगह पर छा गया तच शिवा था, और उसमें छा गया सा के जगह पर, तो तच शिवा रूप सिद्ध होता है। ठीक है, अब सच्छोटी ने अपना पूरा काम कर लिया, सा के स्थान पर छा कर दिया, तच शिवा रूप सिद्ध हो गया, लेकिन उसमें एक बात है कि विकल्प से है सच्छोटी में, वो जो छकार करता है वो विकल्प से करता है, जब नहीं किया तब क्या रूप होगा, तो विकल्प पक्ष में तच शिवा ही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, तच धन शिवा था, इच्छा के छा नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो तच शिवा रह गया, तो दोनों रूप सिद्ध हुए। अब हमने आपसे ये कहा था वीडियो जब बनाने से पहले कि मैं सच छोटी तथा वार्तिक, एक है जो छत्त ममीति वाच्यम है,
इस प्रसंग को लेकर चलेंगे। तो देखिए आ गया ये वार्तिक है क्या, छत्वमीति वाच्यम। इसका अर्थ क्या होता है, झया पदांतात सस्य छह अन्न, माने पदांत झय, पदांतात झया, पदांत झय से परे, पदांत झय से परे, सस्य माने सकार के, छह माने छकार होता है, अम माने अम परे रहते, अम माने अम परे रहते, अम प्रत्याहार। देखो वहां अट प्रत्याहार था। अब यह शंका हो सकती है कि भाई वहां पर तो तछिवा में सस छोटी लगा, तछडोके में क्यों सस छोटी नहीं लग रहा है, यहां सस छोटी क्यों नहीं लग रहा है, यहां नहीं लगेगा क्योंकि अट प्रत्याहार में यहां पर नहीं आ रहा है सकार, नहीं अट प्रत्याहार में, अभी बताता हूं, अट प्रत्याहार में, अट प्रत्याहार में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है वो भी बताता हूं और अम बनाने की आवश्यकता। तो आइए देखिए पहले इसको हम समझे, उदाहरण तछलोकेन तच्छ तच्छलोकेन तच्छ मसुणा, ये छा समझ, ये पूरा छा नहीं है, आधा है, इसीलिए लिखा जाता है, ये छा जो है आधा है, तच्छलोकेन तच्छ मसुणा, ये छा पूरा नहीं आधा है, पूरा होगा तो इसमें एक यहां पर डाढ़ी आ जाएगी, थोड़ा सा चिन्ह यहां पर आएगा, तो ये आधे आधे समझ लीजिए। तो इसकी स्थिति क्या होती है, यहां पर स्थिति क्या होती है, तच्छलोकेन की तद तद धन श्लोकेन, तच्छ मत्सुणा की क्या होती है, तद धन अश्मत्सुणा। तो यहां पर देखिए, यहां अस्तोस चुनासु सु से दकार का जकार हो जाने पर, यहां भी स्तोष चुनासु सु जैसे पहले बताया था, स्तोष चुना चुहु से क्या होता है दाके, एक बार तो पहले वीडियो में बताया है भी इसी में छोटी सूत को बताते समय, तो अस्तोष चुनास्तु से दाके क्या हो गया है, देखो यहां बताया जकार हो गया, क्योंकि यहां पर तवर्ग है और यहां पर श्लोक में सा है, सा है चवर का योग है, यहां तवर्ग में सिदा है, इसलिए इसके नहीं, इसमें तवर्ग का दा है, श्लोके में सा है, सा का योग है, तो दा के स्थान पर चवर्ग में से क्या हो जाता है, जा हो जाता है, ये सूत्र कहता है स्तोष चुना चु, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ता था दा तीसरे नंबर है, तो वहां चवर्ग में से क्या आता है, चा छा जा, जा जाता है, यही बवतार बता रहे हैं, स्तोष चुना चु सूत्र में पढ़ा चुके हैं, तो फिर भी थोड़ा सा दोहरा दिया, तो जकार हो जाएगा, दा के जा हो जाएगा, तो तज धन श्लोकेन बन गया। ऐसी स्थिति में खर्च सूत्र से जकार के चकार होने पर तज धन श्लोकेन, खर्चा सूत्र भी बता दिया, झलांग चरा शिव झलो के चर होता, खर परे रहते, झल में कौन आता है, तच में चा, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो झलो के चर होता है, खर परे रहते, खर खर में सा आता है श्लोकेन का सा, और चर हो जाता है, चर में क्या आता है, चटतव चटतव चा आ जाता है, तो जब भी चवर्ग में है और चा भी चवर्ग में है वो आता है, इसलिए जाके स्थान बच्चा हो गया खर्चा सूत्र से, तत्च धन श्लोकेन हो गया। अब आइए आगे, तो यहां पर क्या होगा, तज धन श्लोकेन, इसमें खर्च सूत से जकार होने पर तज धन श्लोकेन हो गया। यहां झय अर्थात चा से परे शकार है, छत्वमीति वाच्यम जो कह रहा है ना, छत्वमीति वाच्यम जो वार्तिक है वो कहता है झय से परे, तो झय से परे, तो झय देखना पड़ेगा, झय कहां, तो तच, तच में ये देखो झय अर्थात चा से परे, ये तच में जो चा है इससे परे क्या है, सकार है, ये श्लोकन कसा है, छत्वमीत वाच्य वार्तिक को बता रहे, तो सकार से परे क्या है, अम प्रत्याहार के अंतर्गत लकार है, इसमें ला है, सा की बात नहीं, छत्वमीत वाच्य यही कहता कि पहले झय से परे हो हैं, फिर सकार हो, फिर सकार से परे अम प्रत्याहार हो, तब कहीं छत्वमीत वाच्य से छकार होता है,
तो ये पूरी शर्त हो गई, ये बता दिया झय अर्थात च से परे सकार है, सकार से परे अम प्रत्याहार कृतगत लकार है, ये ला आ गया। तो वार्तिक छत्मित वाच्य से सकार को छकार होने पर तच्छ लोकेन रूप सिद्ध होता है, इसी प्रकार तच्छ मसूरा रूप सिद्ध होता है, उसमें भी वही बात है। आगे चलिए, अब इस वीडियो बस इतना है क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद।